वेलकम टू शिफालीज किचन। शिफालीज किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको आटे के और बादाम के बने बिस्किट बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं थोड़े से बादाम, मिल्क, आटा, आटा को हम प्लेन फ्लोर भी कहते हैं, घी, पीसी हुई चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप ऑप्शनल है, आपने डालना हो तभी डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक बाउल ले रही हूँ और उसमें सबसे पहले मैं घी डालूंगी। घी आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि डालडा, देसी, मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली डालडा में भी जो मार्केट में जो भी बिस्किट मिलते हैं वो डालडा में ही बने होते हैं, तो डालडा में बिस्किट बहुत अच्छे बनते हैं, पर देसी घी में बहुत उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं आपके साथ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप अगर एक इस रेसिपी की जो क्वांटिटी है उसके बारे में, जैसे अगर आप 1 किलो आटे के बिस्किट बनाना चाहते हैं तो 1 किलो आटा लेते हैं तो आधा किलो उसमें चीनी लेनी है आपने और आधा किलो ही घी लेना है। मैं यहाँ पर 300 ग्राम आटे के बिस्किट बना रही हूँ, तो 300 ग्राम आटा लिया और 150 ग्राम 150 ग्राम मैंने घी लिया और 150 ग्राम ही मैंने शुगर लिया। शुगर मैंने यहाँ पर, हमारे घर में एक्चुअली शुगर कम ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वो देसी खांड का यूज़ करते हैं, तो देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी जितनी भी रेसिपीज होती हैं देसी खांड से ही बनाती हूँ, जो कि हेल्दी बनती हैं। अब हम इन दोनों को आपस में बाउल में लेंगे और दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे हाथों की सहायता से। आप इसमें ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं या मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं, पर हाथों से करना ज़्यादा बेटर रहता है। हाथों से होता है एक स्मूथ टेक्सचर बन जाता है। ये देखिए इन दोनों को हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया। अब हम इसमें आटा लेंगे। आटा मैंने यहाँ 300 ग्राम लिया है। दोस्तों जो मार्केट में जो बिस्किट मिलते हैं वो ज़्यादातर मैदा से तैयार होते हैं। मैदा आपको पता ही कितना ही बीमारियों का घर है, तो मैं ज़्यादातर मैदा की आइटम्स जितनी भी होती हैं उनको अवॉइड करती हूँ और आटा ही यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज में। अब दोस्तों मैंने इसमें बेकिंग सोडा मिलाया, जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून मिलाया, और ये मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ इसमें। ये ऑप्शनल है, आप अगर पसंद करते हैं तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा के बारे में बता रही थी। बेकिंग सोडा मैं एक्चुअली पहले बताना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहले हम इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से। जो बेकिंग सोडा है वो हम इसलिए डालते हैं बिस्किटों में क्योंकि बिस्किट इससे बहुत ज़्यादा फ्लफी बनते हैं और थोड़ा क्रंची हो जाता है। जो क्रंची टेस्ट आता है बिस्किटों में बेकिंग सोडा से ही आता है। बाजार में जितने भी बिस्किट मिलते हैं हमें, उन सब में मीठा सोडा ही डाला जाता है। ज़्यादातर रेसिपीज़ वगैरह, जो रेसिपीज़ की वीडियोस वगैरह होती हैं आपने देखा होगा, वो कभी बेकर्स जो होते हैं कभी भी ये शो नहीं करते कि हम मीठा सोडा नहीं डालते, जबकि हर एक बिस्किट में मीठा सोडा डलता है। अब हम दूध की सहायता से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने की वाली बात है कि आप जो ये दूध डालेंगे वो एकदम से इकट्ठा नहीं डालना है, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक एक चम्मच करके। अगर हम इकट्ठा दूध डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डो होता है वो बहुत ज़्यादा कहीं से पतला हो जाता है, कहीं से उसमें थोड़ा सख्त रह जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे हर तरफ से, जिससे हमारा एक प्लेन सॉफ्ट डो तैयार होगा। ये देखिए मैंने 100 ml दूध लिया था यहाँ पर, जो कि अब ये सारा यहाँ पर मेरा लग गया है। आपको उतना ही दूध यूज़ करना है जितना कि एक स्मूथ डो तैयार हो जाए, जिससे ये देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हो रहा है। अगर हम हार्ड करेंगे इसको, थोड़ा लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे बिस्किट थोड़ा हार्ड बनेंगे, पर हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है जिससे हमारे बिस्किट की शेप ना बन पाए। और दोस्तों बेकिंग सोडा के बारे में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर एक रेसिपी में आजकल बेकिंग सोडा का यूज़ होता ही होता है। यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ करना, बेकिंग पाउडर नहीं। बेकिंग सोडा हमारे जो ये आटा है, देखो इसको कैसे एकदम से फ्लफी बना दिया है उसने।
और जितने भी वीडियोस हैं उनमें नहीं बताते हैं कि बेकिंग सोडा डालें। इससे क्या होता है कि हमारे जो बिस्किट हम बनाते हैं घर पे, और हम वीडियोस तो देखते हैं और उनकी नकल करके हम बनाते हैं, तो हमारे वो बिस्किट जो होते हैं वो सख्त बन जाते हैं। सही रेसिपीज कोई कोई वीडियोस वाला ही बता सकता है आपको। तो मैं आपके साथ एक ये अपनी नई रेसिपी यूज शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम अपना जो डो है हमने दो भागों में बांट लिया, उसको गोल करके हमने एक प्लास्टिक की शीट मैंने अपने किचन की स्लैब के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की शीट बिछा के उसके ऊपर आटा हमने रख लिया ये डो। उसको हाथों की सहायता से मैं इसको थोड़ा पहले प्रेस किया, उसके बाद फिर मैं अब बेलन की सहायता से उसको कर रही हूँ। और दोस्तों, इसको हम जैसे ही इसको बेलते हैं तो इसको फिर थोड़ा थोड़ा उठाकर पोलोथीन को हम इसको घुमाते जाएंगे और बेलते रहेंगे। अगर हम ऊपर इसके पोलोथीन नहीं बिछाते हैं तो वो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा आटा जो होता है वो हमारे बेलन के ऊपर चिपक जाता है और वो प्लेन ही रह पाते बिस्कुट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोलोथीन की शीट एक ऊपर भी रखेंगे और एक नीचे भी रखेंगे, जिससे हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये देखिए, अब हम बेलन की सहायता से इसको हर तरफ से बेल लेंगे, एकदम से प्लेन कर लेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको ये बादाम से बने हुए बिस्किट सिखा रही हूँ। इसके बाद ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं बिस्किट की सिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको चॉकलेट वाले बिस्किट और नारियल वाले बिस्किट और नमकीन बिस्किट वगैरह की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो पे जाके लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आपको मेरे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये देखिए, मैंने पहले उसको बेल दिया था और उसके बाद मैंने बादाम उसके ऊपर डाले और उसके ऊपर शीट फिर दोबारा से बिछाई और फिर दोबारा उसके ऊपर हल्का हल्का बेलन चला दिया। इससे क्या होता है कि जो हम अगर बादाम उसको ऐसे ही रख देते तो हाथों से प्रेस करते तो वो पूरी तरह से उसके अंदर नहीं जाते, मिक्स नहीं हो पाते। वो जब हम ओवन में उनको बेक करते हैं तो वो बादाम नीचे निकल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शीट को दोबारा से बिछाकर उसके ऊपर हल्का हल्का बेलन से उसको प्रेस कर देते हैं तो वो आटे में मिक्स हो जाते हैं, तो वो बढ़िया मतलब रहते हैं और ना ओवन में जब हम बेक करते हैं तो वो आपस में निकलते नहीं हैं। अब हमने इसको चारों तरफ से चौरस कर लिए हैं। एक्चुअली बिस्किट की आप कोई भी शेप दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर चौरस आकार के बना रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से इसको काट रही हूँ। ये देखिए, पहले मैं इसको लंबाई में काट रही हूँ, फिर मैं इसको चौड़ाई में काट दूंगी और एक इसको चौड़ा शेप दूंगी। आप इसे किसी भी शेप में काट लिए, जितने साइज के आपको चाहिए उतने साइज के आप काट सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए उस बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ये देखिए, इतना मोटा हमने बिस्किट लेना है। आप इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, मैंने इतना लिया है। दोस्तों, अभी हम ओवन अपने ओवन को प्री हीट कर लेंगे। मेरा यहाँ कन्वेंशन है तो मैं इसको आजकल जैसे सर्दियाँ तो मैं इसको हाई टेम्परेचर पर प्री हीट कर रही हूँ, 210 पे। इसके बाद मेरे पास एक घर में नॉनस्टिक तवा है, तो मैं उसके ऊपर ये तेल लगाकर, ऑयल लगाकर इस पर थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने अब बिस्किट सारे लगा दिए हैं। एक्चुअली मेरे पास बेकिंग ट्रे भी है, पर उसमें इतनी क्वांटिटी में बिस्किट नहीं आते हैं, वो थोड़े बनते हैं और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं और जल्दी से उतर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, तो इसलिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ। हमारा ओवन प्री हीट हो चुका हुआ है, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और 10 मिनट्स लगा देती हूँ। 10 मिनट्स में अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, आप जैसे भी आप ओवन यूज़ करते हैं, रोटी भी यूज़ करते हैं, तो अपने हिसाब से आप अपना टेम्परेचर देख के ओवन का तो आप उसे सेट कर सकते हैं। वैसे इन बिस्किट्स को बनने में बहुत कम टाइम लगता है। ये देखिए, 10 मिनट्स हो गए और मैंने ये ट्रे बाहर निकाल ली है। ये देखिए, इनका कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये बाजार के बिस्किट्स की तरह ही लग रहे हैं, पर ये उनसे कहीं ज़्यादा हेल्दी हैं। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ये बिस्किट अपने घर पर जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें, और जो भी आप सजेशन आपके होंगे वो मुझे जरूर अपने सजेशन दें कमेंट बॉक्स में जाके। ये देखिए, अब ये गर्म है और देखिए कितने आसानी से उतर रहे हैं, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं। अगर ये अंदर से सॉफ्ट होता है तो ये साथ में चिपक जाते हैं तवे के साथ। ये देखिए, बिस्किट हमारे, अब मैंने इनको ट्रे में लगा लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़े ये गर्म है तो
ठंडे होने की वेट कर रही हूँ, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो वो ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा टूटा है, और देखो कितना क्रंची है। अगर ये सॉफ्ट होता तो ऐसे नहीं टूटता, और इसका टेक्सचर देखो कितना अच्छा है दोस्तों। थैंक यू।